नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। वेल, आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच का चौथे दिन का जो ब्यौरा रहा वो ये रहा कि भारतीय पारी जो है 307 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 323 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पांचवें दिन जो है बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, चौथे दिन भी इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन सर्वाइव कर गई। 104 रन उन्होंने बोर्ड पर लगा लिए हैं चौथे दिन के खेल खत्म होने तक और 4 विकेट का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। 6 विकेट और रह गए हैं भारत के लिए और अगर भारत को जीतना है पहला टेस्ट मैच तो 6 विकेट गिराने होंगे कल यानी कि पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया के। जो अब हम आपको बता दें कि अभी से कुछ ही देर में पांचवा दिन शुरू होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जिस तरह से मैच खेल रही है ये दिलचस्प होने वाला है कि आज के मैच में क्या बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जो मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है उससे पहले जो 5 बड़ी खबरें हैं उनसे हम आपको रूबरू करा देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज एडिलेड में खेली जा रही है और आपको बता दें कि इस मैच को जीतने के लिए भारत को अब 6 विकेट की जरूरत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को ये जीत हासिल करने के लिए 219 रन बनाने हैं। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए हैं। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन लियोन को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो ये मैच अभी भी जीत सकते हैं। आपको बता दें कि लियोन ने कहा कि मुझे लगता है कि पिच थोड़ी सी तेज हो गई है और सीमर के लिए कम कारगर रह गई है। ये निश्चित रूप से स्पिन कर रही है और उनके पास विश्व स्तरीय स्पिनर मौजूद है, इसलिए हमारे बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आर अश्विन अच्छे स्पिन कर रहा है। लियोन ने कहा कि हमने दुबई के बारे में बात की, हम अभी भी मानते हैं कि हम इससे जीत सके हैं और ये सर्वश्रेष्ठ चीज होगी। हम अभी भी मानते हैं कि हम मैच में बने हुए हैं और ये सिर्फ आने वाले कल की बात है जिसमें पहली गेंद, पहला ओवर, पहला घंटा जीतने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल बात है, उन्होंने कहा कि हम चीजों को पेचीदा नहीं करना चाहते, हम इसका लुफ्त उठाना चाहते हैं। बहरहाल लियोन के इस बयान के बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया टीम भारत को ये सीरीज हरा पाती है कि नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज एडिलेड में खेली जा रही है और आपको बता दें कि इस मैच को जीतने के लिए भारत को अब 6 विकेट की जरूरत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत हासिल करने के लिए 219 रन बनाने हैं। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाए। वहीं एडिलेड का मैदान भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन को बहुत रास आ रहा है। पहली पारी में 3 विकेट लेने वाले आर अश्विन ने दूसरी पारी में इरॉन फिंच और उस्मान ख्वाजा के रूप में ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके दिए। अश्विन की गेंद पर रोहित शर्मा ने ख्वाजा का कैच लपका। एक समय ऐसा लगा कि रोहित इस कैच को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने कैच लपका और भारत को 3रा विकेट मिला। अश्विन काफी देर से ख्वाजा को परेशान करते हुए दिख रहे थे, आखिरकार ख्वाजा ने धैर्य खो दिया और अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। आपको बता दें कि अश्विन उस्मान ख्वाजा को काफी देर तक परेशान किया और आखिरकार अंत में विकेट हासिल कर लिया। भारत ने दूसरी पारी में 307 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 332 रनों का लक्ष्य दिया। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले में क्या भारतीय टीम सफल हो पाती है कि नहीं। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज एडिलेड में खेली जा रही है और आपको बता दें कि इस मैच को जीतने के लिए भारत को अब 6 विकेट की जरूरत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत हासिल करने के लिए 219 रन बनाने हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए हैं। बता दें कि अगर भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को जीत जाती है तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली सुर्खियों में आ जाएंगे। बता दें भारतीय टीम ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया धरती पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। ये भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया का 12वां दौरा है और पिछले 11 दौरे में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को एक भी बार हरा नहीं पाई है।
भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला था और तब से लेकर अब तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को एक भी टेस्ट सीरीज में हरा नहीं पाई है। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज के साथ विराट कोहली के पास एक सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि एडिलेड जीते ही विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय कप्तान बन जाएंगे जिनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उन्हीं से टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीता हो। ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 सीरीज खेली गई हैं, जिसमें से 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं और 3 ड्रॉ हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के बीच कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से कंगारू ने 28 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने सिर्फ 5 मैच जीते हैं और 11 ड्रॉ हुए हैं। बहरहाल ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या भारत इस 86 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाती है कि नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। बता दें आपको कि 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 219 रनों की दरकार है। इससे पहले दूसरी पारी में टीम इंडिया 307 रनों पर ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों का लक्ष्य मिला। आपको बता दें कि इस मैच में बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर पहली बार बल्लेबाजी कोच संजय बागड़ ने बयान दिया है। संजय बागड़ ने कहा कि हालांकि हमारे बल्लेबाजों ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन कुछ बल्लेबाजों को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। बागड़ ने कहा कि अगर आपको विदेशों में लगातार जीत दर्ज करनी है तो आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपका टीम में होने का मतलब नहीं है। संजय बांगड़ का इशारा साफ था कि वो खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो अब सुधर जाएं और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा तो टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय बांगड़ का बयान क्या टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर पाता है या नहीं। टीम इंडिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रहे गौतम गंभीर ने बीते हफ्ते संन्यास लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। गौतम गंभीर ने 10 मिनट से ऊपर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया और अपने संन्यास की वजह बताई। ऐसे में गौतम गंभीर का जो करियर रहा है वो काफी शानदार रहा है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट भारत के लिए खेले हैं। साथ ही दोनों विश्व कप के फाइनल में 50 प्लस का स्कोर खड़ा कर टीम को जीत भी दिलाई है। आपको बता दें कि संन्यास के बाद गौतम गंभीर ने कई बड़े खुलासे किए। ऐसे में गंभीर का एक इंटरव्यू का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अनबन के बारे में खुलकर बात की। गंभीर ने साफ तौर पर कहा कि मुझे टीम से ड्रॉप क्यों किया गया ये मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे इतना मालूम था कि मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि आपको आपकी बल्लेबाजी के लिए ड्रॉप किया जा रहा है। गंभीर ने कहा कि मैं इतने अच्छे फॉर्म में था और उसके बाद अगर मुझे वर्ल्ड कप में नहीं मौका दिया गया तो मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आखिर मुझे ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि अगर मैं अच्छी फॉर्म में था और लगातार रन्स कर रहा था तो मैं एक वर्ल्ड कप और डिजर्व करता था। गंभीर ने भी कहा कि उन्हें जिंदगी भर मलाल रहेगा कि वो इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए एक ही वर्ल्ड कप खेल पाए। यानी कि कहीं ना कहीं गंभीर ने डायरेक्टली कह दिया कि उनके करियर को पीछे ढकेलने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ था। भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन के बीच रविवार को पहले टेस्ट के चौथे दिन जबरदस्त जंग छिड़ गई है। ये जंग बल्ले और गेंद के बीच है। पंत और लियोन के बीच लंच के बाद थोड़ी देर के लिए ये जंग छिड़ी। आपको बता दें कि ये किस्सा भारत की दूसरी पारी में शुरू हुआ। लंच के बाद नाथन लियोन गेंदबाजी कर रहे थे और ऋषभ पंत अचानक T20 के रूप में बल्लेबाजी करने लगे और लियोन की इस ओवर में उन्होंने 18 रन बना डाले। पंत ने पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया और फिर अगली चार गेंदों पर 18 रन बना डाले। ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने चौका जमाया, फिर चौथी गेंद पर पंत ने एक और चौका जड़ा। अगली गेंद पर पंत फिर आगे आए और चौका जमा दिया। पंत ने फिर ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जमा कर लियोन की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि लियोन ने अपने अगले ओवर में इसका हिसाब बराबर कर लिया। उन्होंने पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की, जिस पर पंत बड़ा शॉट खेलने के हिसाब से निकले। बल्ले से बाहरी किनारे पर लगकर गेंद हवा में उड़ गई और स्वीपर कवर के मौजूद एरॉन फिंच ने उनका आसानी से कैच लपक लिया। बहरहाल ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या भारत इसी स्पीड से अपने इस पहले टेस्ट मैच को जीत पाती है कि नहीं।
तो देखा आपने आज की पांच बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि एडिलेड में क्या टीम इंडिया जीत का तिरंगा लहराएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मैच के बाद मैच हाइलाइट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।